हो गया नाच गाना, दिखा दी अपनी असलियत। लोग के सामने मान मर्यादा इज्जत सब कुछ भूल गई तुम। यही करना रह गया था इस घर की बुआ को, मर लटका कर नाचना। मम्मी जी, मैं लीना और मीरा को बस दिखा ही रही। बेटियां है वो इस घर की और तुम बहू हो। मायका नहीं है ये, तेरा ससुराल है कि जो जी में चाहे करती रहो। एक बात कान खोलकर सुन लेना, इस घर के कुछ नियम है, संस्कार है कुछ इस खानदान के, और जो इन्हें तोड़ता है वो इस घर में नहीं रह सकता। दोबारा अगर ऐसी गलती की तो उसको अब जिंदगी भर आपके कहे में रहेगी। मम्मी जी, भावना चाची, मैं मम्मी जी से बात करना चाहती हूं अकेले में। हाँ, एक मिनट। भावना मेरी देवरानी है और मेरी तरह वो भी तेरी सास है। ये यही रुकेगी, तुझे जो कहना है इसके सामने के। कहना नहीं, पूछना चाहती हूं मम्मी जी। आपके रूखेपन की वजह क्यों नाराज है आप मुझसे? क्यों आपको मेरा कुछ कहा या किया हुआ अच्छा नहीं लगता? क्यों आप मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती है? क्या मेरे उस दिन सामान वापस भेजने की एक गलती इतनी बड़ी थी कि आप अब तक नाराज है मुझसे? इस तरह माफी मांगने आई हो तुम मुझसे? कहाँ, आप बड़ी है मुझसे मम्मी जी, आपसे माफी मांगने में कोई शर्म नहीं। इसीलिए तो उस दिन मैं आपसे माफी मांगने आई, पर आपने तो आप मम्मी जी मुझे बताइए क्यों कर रही है आप मेरे साथ ऐसा? तेरी जगह कोई और होता ना तो उसके साथ भी यही सलूक किया जाता, क्योंकि इस घर की मान मर्यादा इज्जत संस्कार सबसे पहले, और जो इसको तोड़ेगा वो। क्या इस घर की मर्यादा सिर्फ बहुओं के लिए? बेटियों के लिए नहीं? क्या इस परिवार के संस्कार आपको बहुओं और बेटियों में फर्क करना सिखाते? क्या आपका मान और सम्मान आपके बहू का अपमान करने से ऊंचा होता है? इस घर के कायदे कानून को तुम बदलोगी? मम्मी जी, मैं सिर्फ सही और गलत की बात कर रही हूँ। और मैं सिर्फ सही की बात कर रही हूँ। जो पूरी दुनिया में होता है वही इस घर में होता है, और तुम जो सीख देने आई हो ऐसा छोटापन तो सिर्फ तुम लोगों के घर में होता होगा। प्लीज मम्मी जी, जिस दिन मैंने इस घर में कदम रखा उस दिन मैंने इस घर को अपना घर समझा है और आप लोगों को अपना परिवार। लेकिन जब तक आप इस बात को नहीं मानेंगी ना, तब तक आप मुझ में और इस घर में फर्क करती रहेंगी, और ये ना ही मेरे लिए अच्छा और ना ही इस घर के शांति के लिए। मम्मी जी, अगली बार कुछ भी कहने से पहले सिर्फ एक बार सोचिएगा, अगर आपकी बेटी के साथ
उसके ससुराल वाले ऐसा बर्ताव करें तो तब आप उसे क्या कहेंगी? सही कि गलत? फिर क्या भाभी, कोकी भाभी को तो सांप सूंघ गया सांप। अरे उसके बाद तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई। मंजीत ने तो वो मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पत्थर मारे हैं बोल बोल के कि कोकी भाभी का कलेजा तो टुकड़े टुकड़े हो गया। अब आएगा असली मजा। बहुत घमंड था ना कोकिला को अपने पैसों पर, स्टेटस पर। याद है उसने मुझे क्या कहा था? एक, सिर्फ एक रिश्ता ढूंढकर दिखाओ अपने बेटे समीर के लिए। अब देख, उसका बेटा जिसे लेकर आया है, जिस घर से आई है, देखा कैसा नाच नचा रही है कोकी को? अब पता चलेगा उसे। हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी ना? मुझे नहीं, सिर्फ आपको। तुम्हें क्या कम सुनाया है उसने? अरे जब पूरे घर को वो नीचा दिखाती है, गरीब बताती है, तो क्या तुम शामिल नहीं होती हो उसमें? अरे कहाँ जा रही हो तुम? कोकी भाभी को उल्टा जवाब देने। नहीं, आज तक उन्होंने मुझे कितना कुछ कहा, तो कैसे कहा? उसकी कोई जरूरत नहीं है अब भावना। कोकी को उसके जवाब अब खुद उसकी बहू मंजीत से ही मिल रहे हैं। ये अब ये सास बहू के झगड़े और बढ़ते जाएंगे रे, क्योंकि कोकी अब चुप नहीं रहने वाली है। वो मंजीत के पत्थरों का जवाब अपनी ज्वालामुखी से देगी। इसलिए हमें तो बस अब देखना है कि कोकिला करती क्या है। करेगी क्या, अपनी बहू मंजीत को घर से निकाल देगी। ओहो, निकालेगी तो बाद में, अभी तो उसका स्वागत करना पड़ेगा उसे। मतलब अरे पूरन मासी के तोहफे की रस्म जो होनी है अभी। हाँ, चल चल के वहां देखते हैं क्या नया तमाशा हो रहा है वहां पर। अरे कोकिला भी तो अपनी बहू को तोहफा देगी ना। सुनंदा, खरबूजा खरबूजे को देखकर ही रंग बदल लेता है, पर तू इन तीनों महारानियों के साथ रहकर भी अब तक बदली नहीं। बड़ाई कर रही है या बुराई? बुराई बुराई तो मैं उन तीन महारानियों की ही करती हूँ इस घर में। आप हमेशा उनसे इतनी नाराज क्यों रहती है भा? अरे वो हरकत ही ऐसी करती है। देख, तीन बहुरानियों की आज पहली पूरनमासी है, और कुछ विधि भी करने हैं, ये भी उनको याद नहीं है। बात तो आपकी सही है मीठी बात, पहली पूरनमासी का शगुन तो उन्हें भी मिला है इस घर में आकर मेरे हाथों से, फिर वो अपनी बहुओं के लिए कैसे भूल गए? अरे तेरी छोड़ मेरी देख, इतने साल हो गए जब तू नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तो पहली पूरन मासी पर मैंने तुझे क्या दिया था, याद है तुझे? क्या दिया था? नहीं याद है, आप बताइए ना। तो तू भी बदल गई सुनंदा, क्या सचमुच भूल गई हो? तो तूने अभी तक पहन रखी है मैंने दी हुई शगुन की चेन। आपने इसे देते वक्त मुझे कहा था कि ये चेन नहीं, इस घर परिवार की संस्कार विरासत में दे रही हूं तुझे, आपके दिए हुए आशीर्वाद। मैं मुझसे कैसे दूर कर सकती थी मीठी बा? सचमुच सचमुच मेरे
पुण्य कर्म का ही फल है ये। तू एक तू है और दूसरी वो तीनों महारानियां। अरे पूरन मासी ही भूल गई वो, तो तेरा दिया हुआ शगुन कैसे याद होगा उन्हें। सच सुनंदा, अगर मैं तेरी जगह होती ना तो जमकर खरी खोटी सुना देती उन तीन महारानियों को। तो अभी सुना दीजिए ना, बुला दो। रहने दे, आज देंगी ना वो अपने बहुओं को शगुन, अब सुनाऊंगी जी भर के। अच्छा, ऐसा क्या देने वाली है तीनों? वही तो देखना है। इंदिरा अपने बहू को कुछ अच्छा सा जरूर देगी, और भावना उसकी नकल करने में फंस जाएगी, और सोने का कुछ जरूर देगी। आप सबको कितना अच्छी तरह से जानती है मीठी बा। ये बाल सबको समझते समझते ही सफेद हो गए। आपने ये नहीं बताया कि कोकी क्या देगी अपनी बहू मंजीत को? कोकी क्या देगी ये समझना थोड़ा टेढ़ी खीर है, क्योंकि मंजीत के बहू बनकर इस घर आने से कोकिला अंदर ही अंदर उबल रही है। तो आपका मतलब है कोकी मंजीत को कुछ नहीं देगी? ना, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ना देखकर वो अपनी नाक नहीं कटवाएगी कोकी। वो दोनों दे और ये ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। पर क्या देगी ये तो मुझे भी देखना है। सभी यहाँ हैं, लेकिन बहुओं को शगुन देने वाली सासे, मेरी तीनों महारानियां कहाँ हैं? चलो आ गई है तीनों। मुझे लगा बहू को कुछ देने के नाम पे ये तीनों गायब हो जाएंगी। अब बहू विधि शुरू करो। तुम्हारे जैसी बड़े घर की बेटी मेरी बहू बनकर आई, मेरे तो भाग जा गए। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा शगुन है मेरी तरफ से। मम्मी जी, ये तो आपका आशीर्वाद है, छोटा कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो ये बहुत अनमोल है। सदा सुखी रहो। अखंड सौभाग्यवती। जीती रहो बेटा। विंध्या बेटा,
ये छोटा सा शगुन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। पसंद है ना? इतने पतले कड़े और खुद ने देखो कितने मोटे मोटे पहन रखे हैं। पहला गिफ्ट देने में भी कंजूसी कर गई मेरी सासू माँ। आओ कोकिला, अब तुम भी शगुन दो अपनी बहू को। कोकिला, ये सब क्या है? Don't feel bad, huh? पर इसमें गलत क्या है बापूजी? आप लोग नहीं जानते कि मंजीत बहुत अच्छा नाचती है। भाई नाचने का बहुत शौक है इसे। मैं तो सिर्फ इसके शौक को बढ़ावा दे रही थी। कहाँ? मेरे लिए तो बहू और बेटी दोनों एक समान है। जैसे मैं अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती हूँ, ऐसे ही मैंने अपनी बहू का हौसला बढ़ाया। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। कहाँ? कोकिला बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू को बेटी मान रही हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कल को अगर मंजीत को कुछ बुरा लगेगा तो वो खुल के बात तो कर सकेगी, है ना मंजीत बेटा? भाई बुरा तो इसे तब लगेगा जब मैं इसे बुरा लगने दूंगी। हाँ, अगर ये खुद मुझे बुरा बनाना चाहे
तो अलग बात है। हाँ?